एक छोटी मालिका है, वो उसका आरोप था कि हम मैं विद्यालय में गई थी, एक लड़का जो है किसी जो दूसरे धर्म से संबंधित है वो आया और हमको लेके चला गया और हमको मालूम नहीं कहाँ लेके गया। बाद में मेरे संग बलात्कार भी उसने किया है और बाद में लाके छोड़ दिया हमको 1 महीने बाद यहाँ पे। जानकारी मेरे संज्ञान में मामला आया है और मैंने अभी आदेश किया है FIR लॉज करने के लिए। FIR दर्ज करा के उस मालिका का कलमबंद बयान न्यायालय में कराने के पश्चात जो भी तथ्य उसमें आएंगे 164 की रिपोर्ट में, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कार्रवाई इसमें करेंगे। एक्चुअली लव जिहाद के संबंध में कोई धारा और स्पेशली IPC वगैरह में नहीं कुछ है अभी हमारे यहाँ। मैं सिंपल तरीके से, अगर लड़की नाबालिग किसी के साथ जाती है तो भी वो आरोपी है, वो लड़की अगर बालिग है और वो आके बयान कोर्ट में देती कि हमको जबरन ले गया था तो भी वो आरोपी है, लड़की अगर बालिग है किसी के साथ जाती है वो और बयान कोर्ट में देती कि मैं स्वयं इसके साथ गई थी तो कोई ऑफेंस उसमें नहीं बनता है। लेकिन चूंकि लड़की स्वयं अपने साथ सर्टिफिकेट लेके स्कूल का अपने आई थी, बहुत छोटी बच्ची अभी थी वो बालिका, तो फर्स्ट देखने से लग रहा था कि इसमें क्राइम कमिट हुआ है। तो तत्काल हमने SHO को फ़ोन किया और मैंने आदेश भी कर दिया, FIR सेल पे उसकी चिक पड़ी हुई है कि तत्काल मुकदमा दर्ज करें इसमें और तत्काल आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें की जाए।